मनोज वाजपेयी की नई मूवी भैया जी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और ये उनकी 100वीं फिल्म है। इसमें उन्हें एक ऐसे अवतार में देखा गया है जिसमें पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। भैया जी की कहानी बिहारी बाबू रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी की है, जो अपने इलाके में रॉबिन हुड का बाप है। यहाँ भैया जी का रौला तो गाँव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले और राज्य में होता है। उनका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते हैं, यहाँ तक कि गुंडों और पुलिस अफसरों तक की पैंट गीली हो जाती है। शुरुआत में तो भैया जी को काफी शरीफ दिखाया गया है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो उनका स्वैग भी दिखता है। वो अपने परिवार, अपने लोगों और समाज के लिए जीते हैं, लेकिन बाद में कहानी कुछ ऐसा टर्न लेती है कि उन्हें अपने पुराने रूप में लौटना पड़ता है। इसके साथ बात की जाए भैया जी में एक्टर्स की एक्टिंग की, तो इसमें मनोज वाजपेयी ने भैया जी के रोल में फैंस और दर्शकों का दिल जीता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि एक बिहारी सब पर भारी, अब ये कहावत फिल्म में मनोज वाजपेयी पर एकदम फिट बैठती है। उनके इस किरदार को देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि उनके अलावा कोई और एक्टर इस रोल को प्ले नहीं कर सकता। अक्सर आपने देखा होगा कि हीरो के पास सिक्स पैक एब्स होता है और वो दमदार एक्शन करता है, लेकिन यहाँ मनोज के पास ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बिहार के उस दबंग भैया जी का रोल प्ले किया है जिसके पास सिक्स पैक एब और बॉडी नहीं है बल्कि जिगर होता है। वैसे आपने अभी तक ये मूवी देखी कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।